बहुत से लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि हम हेयर ऑयलिंग कर ही नहीं सकते, हमारे स्कैल्प पे दर्द होता है, हमें हेडेक होता है, हम ऑयल को 15 मिनट से ज़्यादा अपने स्कैल्प पे टॉलरेट कर ही नहीं सकते। बट अगर आपको अपने बालों का टेक्सचर अच्छा चाहिए, हेयर रीग्रोथ चाहिए, लंबे बाल चाहिए, तो ऑयलिंग का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको हेयर ऑयलिंग से स्कैल्प दर्द होता है, हेडेक होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा लाइट वेट हेयर ऑयल जो ना केवल आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा बल्कि आपको न्यू हेयर रीग्रोथ देगा और आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग डॉक्टर विंगार्डियम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड लविंग वट एवर यू गाइज आर डूइंग। अब भाई हेयर ग्रोथ तो सभी लोगों को चाहिए, बट हेयर ऑयलिंग से सब ऐसे हो जाते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। तो आप पार्लर जाके चाहे कितने भी स्पा ले लीजिए, आप कोई भी हेयर मास्क करवा लीजिए, आप कुछ भी करवा लीजिए अपने पार्लर में, आपके पार्लर वाले दीदी और भैया तो आपको लिटरली इतना कन्विंस करेंगे कि भाई हेयर ऑयलिंग से तो बाल खराब होते हैं। बट ट्रस्ट मी, वो भी हेयर ऑयलिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि हेयर ऑयलिंग से बाल खराब हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमारे पास ये पार्लर एंड ऑल दैट नहीं था तब सिर्फ हमारे पास ऑयल था जो हमारे दादा दादी नाना नानी लगाते होते थे, एंड उसके बाद उनके जो बाल होते थे आई कैन नॉट टेल यू, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है हेयर ऑयलिंग का, आपको हेयर ऑयलिंग करनी ही पड़ेगी अगर आप अपने बालों को लॉन्ग टर्म में अच्छा रखना चाहते हैं, अपने 50s में आप अपने सर पर बाल देखना चाहते हैं तो आपको हेयर ऑयलिंग मैंडेटरी है। बट यस, ये बहुत ही जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को स्कैल्प में दर्द होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन पे। प्रॉब्लम इज कि हमारे स्कैल्प पे और हेडेक होना इसलिए शुरू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बचपन से कभी हेयर ऑयलिंग करी नहीं, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब हमें हेयर फॉल दिखना शुरू होता है, हमारे बालों का टेक्सचर खराब होना शुरू होता है, तो हमें एकदम से ध्यान आता है कि चलो यार सर्च करते हैं कि अब बालों को कैसे रीग्रो किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो हमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स दिखते हैं जिसके अनियन हेयर ऑयल है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं जिसको हम अपने लिए ट्राई करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले सब लोग अनियन ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि अनियन के बहुत मेजर रिजल्ट्स देखे गए हैं बालों पे। वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑयल होता है कि जैसे आप बालों में लगाएंगे आपको 10 मिनट्स में, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा। रीज़न कि आपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी ऑयलिंग करी नहीं और एकदम से आपने स्कैल्प पे इतना हैवी ऑयल डाल दिया जिसको स्कैल्प यू नो अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि ये क्या है, तो उस वजह से आपको स्कैल्प में दर्द होने लगा। सेकेंड चीज़, क्योंकि आपने कभी हेयर ऑयलिंग करी नहीं तो आपका जो स्कैल्प है वो इतना ड्राई हो चुका है ना कि आप एकदम से जब ऑयल लगाते हैं तो आपको उसमें पेन होना शुरू होता है। आपने अपने स्कैल्प को कभी मसाज नहीं किया, एकदम से आप मसाज करने लगे तो दर्द तो होगा। कभी भी आपने नोटिस किया होगा जब आपके हार्ट फट जाते हैं, आपके होंठ में ड्राइनेस हो जाती है, तो उसमें जब आप लिप बाम या मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, एक जलन जैसा फील होता है। रीज़न इज़ कि वो ड्राइनेस की वजह से स्कैल्प और आपका स्किन इतना फ्लेकी हो गया है कि वो टिंगलिंग सेंसेशन होना एक नॉर्मल चीज़ है। वैसा ही होता है हमारी स्कैल्प के साथ, जब आप इतने सालों बाद अपने स्कैल्प पे कोई ऑयल लगाएंगे और वो भी इतना हैवी ऑयल, तो आपको हेडेक होना तो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। सो आई गेस आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन, और जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम नहीं समझी है, वीडियो को स्किप करके सीधा यहाँ रेमेडी पे आए हैं ना, उनको इस रेमेडी से कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रीज़न इज़ कि अगर उनको ये प्रॉब्लम है ही नहीं तो वो ये रेमेडी अपने लिए करके करेंगे क्या। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रेमेडी बता दो बस, हमें तो नहीं जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए लेट्स फॉरगेट इट, अभी आ जाते हैं रेमेडी पे कि करना क्या है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा ऑयल जो आप घर पे बनाएंगे। इसके लिए आपको दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कोई भी रिप्लेसमेंट। जो दो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, पहले उनके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट होते हैं नेचुरल फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स हमारे बालों को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं और ड्राइनेस से लड़ने में हेल्प करते हैं। जो लोग माउंटेन्स में रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा स्कैल्प आजकल डिहाइड्रेटेड लगती है अपनी, तो उनके लिए कोकोनट ऑयल क्या करता है, एक
डिहाइड्रेटेड बाल में हमारे हेयर शाफ्ट में एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे बालों में जल्दी डिहाइड्रेशन नहीं होती। तो जो हम कहते हैं ना कि हमारे स्कैल्प में ऑयलिंग लगाने से भाई सर दर्द होता है, स्कैल्प दर्द होता है, वो ऑयलिंग से नहीं हो रहा है, वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। तो जब आप कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल लगाएंगे ना, वो ड्राइनेस को कवर कर देगा। लेकिन कोकोनट ऑयल हम आज इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने कभी ऑयल नहीं लगाया तो आपको हमेशा एक लाइट वेट ऑयल से स्टार्ट करना है अपनी रिजीम को। तो सेकेंड इन्ग्रीडियंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा में प्रेजेंट होते हैं विटामिन ए, ई, सी एंड फॉलिक एसिड्स। फॉलिक एसिड जिसके हम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, विटामिन ए, ई, सी के भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट फॉलिक एसिड के बहुत हाईली एक्सपेंसिव आते हैं। तो ये सारा नेचुरली एलोवेरा में प्रेजेंट होता है, जो हमारे बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। एलोवेरा एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो आप अपनी स्किन के लिए, अपनी स्कैल्प के लिए, अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है, न्यू हेयर रीग्रोथ करता है, बालों को टूटने से बचाता है, ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करता है एंड वॉट नॉट। तो ये सबसे लाइटेस्ट। तो चलिए अब रेमेडी भी बना लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है एक एलोवेरा लीफ, जिसको अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसीस में काट लेना है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपनी ऑल टाइम फेवरेट लोहे की कढ़ाई, और ये गंदी नहीं है, ये सिर्फ लोहे का कश उतरता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल ले लिया है एंड जब वो ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें एलोवेरा लीफ डाल दी है। मेक श्योर कि जब आप ये हेयर ऑयल प्रिपेयर करें तो अपने गैस का सिम फ्लेम रखें, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसको आपने बीच बीच में हिलाते रहना है एंड 5 से 10 मिनट तक इस ऑयल को प्रिपेयर करना है। कड़ी लीव्स भी मैंने इसमें थोड़े से ऐड किए, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। एंड जब ये ऑयल हल्का ठंडा हो जाए तो आपको इसे सीव की हेल्प से छान लेना है एंड इसको आपने 2 से 3 घंटा अपने बालों पे रखना है एंड किसी माइल्ड से शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला ऑयल आपको मिलेगा एंड ट्रस्ट मी, इससे आपको बिल्कुल हेडेक नहीं होगा, बहुत ही रिलैक्सिंग ये ऑयल है। बट दोस हु आर नॉट एबल टू मेक दिस एट होम, वो इसकी जगह यूज कर सकते हैं आर्गन ऑयल, हाईली एक्सपेंसिव आई गेस। अगर आपको एक बहुत अच्छा आर्गन ऑयल लेना है तो वो आपको शायद आधा लीटर थाउजेंड्स में मिलेगा। सो दोज हु डोंट हैव टाइम, ऑफिस गोइंग लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आर्गन ऑयल का भी यूज़। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जब भी आप अपने लिए कोई भी रेमेडी करें ना, यू नो सेल्फ केयर इज़ नॉट अबाउट कि रेमेडी बनाई लगाई और पूरा दिन भर आप फ्रस्ट्रेट रहे, वो सेल्फ केयर नहीं होता। एंड यू नो जब हेयर फॉल होता है तो सबसे बड़ा रीज़न होता है हेयर फॉल का आपका स्ट्रेस। तो मेक श्योर जब भी आप अपने लिए रेमेडीज करें, खुश होकर करें, खुश मन से करें, सबके साथ मिल बांट कर करें। जब भी अपने लिए हेयर ऑयल बनाए तो घर के अपने एक दो लोगों के लिए और भी उनके साथ भी शेयर करें, तब जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना उसका कुछ और ही मज़ा होगा। तो इंजॉय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ केयर, ऐसा नहीं है कि बस करना है या लगाना है क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है इसलिए करना है, उसके लिए नहीं करना है। नहीं मन कर रहा है तो प्लीज डोंट डू दिस फॉर योर सेल्फ, बट अगर कर रहे हो तो खुश मन से करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, कीप शाइनिंग,